नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आप लोग किसी की भी मदद करने से पहले अब करोड़ों बार सोचने लगेंगे। क्योंकि ये जो घटना घटी थी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ घटी थी जो कि बहुत सीधे साधे नेचर के थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर था उनका। तो चलिए बिना देरी किए सन 1975 के आसपास चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को डिटेल में। तो हुआ कुछ ऐसा, चेतन छापर नाम का एक गांव, वहां पर यह परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में राम प्यारे जी, उनकी पत्नी, एक छोटी सी बेटी और उनकी माँ रहती थी। इनके घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। इनके नेचर की बात करते हैं कि इनकी राम प्यारे जी की, ये इतने बढ़िया नेचर के थे कि मतलब कोई भी इनके पास आता था तो किसी भी चीज़ के लिए कभी ना नहीं कहते थे। बहुत हेल्पफुल नेचर था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सब जानवरों की बहुत मदद करते थे, खेती करके ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन खेती किसानी बहुत अच्छी होती थी, इनकी अच्छी आमदनी हो जाया करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन थी इनके पास। और जितना भी ये इनकम किया करते थे, उस इनकम में से काफ़ी सारा हिस्सा, ये कह लो कि आधे से ज़्यादा हिस्सा, जानवरों की मदद के लिए निकाल देते थे। आसपास के कोई जानवर हो, उनके लिए खाना खिलाना, उनका उपचार कराना वैद्य के पास ले जाके, तो आगे जाके कोई शहर हो वहाँ पे भी किसी भी जानवर को कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी भी उतनी तरीके से ही मदद करना। कोई जानवर वो खिलाता पिलाता है तो उनके घर पे डोनेट कर देना। मतलब ये जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक जो ट्रू एनिमल लवर होते हैं ये वैसे थे। अब भाई ऐसा था ना कि ये जिस गांव में रहा करते थे ना, वो बहुत छोटा गांव था, बहुत छोटा गांव। यहाँ पर इनकी दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं थी, गांव में इनकी रिश्तेदारी ज़्यादा थी। इनके जो दोस्त वगैरह थे वो बाहर गांव के थे। क्यों थे? क्योंकि ये कई बार ऐसी मदद वदद करने के चक्कर में, डोनेशन वोनेशन करने के चक्कर में घर से बाहर निकलते थे, दूसरे शहर दूसरे गाँव घूमते रहते थे, वहीं पर लोग मिलते थे तो दोस्ती हो जाती थी। तो कुछ ऐसे थे दोस्त जिनसे ऐसी दोस्ती हुई थी और बहुत पक्की वाली हो गई थी। अब उन दोस्तों को भी इन्होंने अपने जैसा बना दिए थे। अब जब कभी भी कहीं पे भी किसी की भी मदद करने जाते तो अपने दोस्तों को लेकर जाते। ऐसे ही एक बार की बात है, इनका एक दोस्त था मोहन नाम का, उसी घर पे शादी से पहले एक फंक्शन रखा गया था जिसे आज के ज़माने में लोग बैचलर्स पार्टी कहते हैं। उस ज़माने में और गाँव के लोग ऐसा बैचलर पार्टी तो नहीं कहते थे, लेकिन हाँ ये शादी होने वाली है तो उसके पहले थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करेंगे लड़के लोग मिलके, दोस्त लोग मिलके। तो इनको भी बुलाया गया, ये भी बढ़िया से शामिल हुए। ये किसी भी तरह के नशे पानी में नहीं थे भाई, लेकिन इनके जो दोस्त थे वो थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ने पर कर लेते थे। ठीक है, जब कभी भी ये किसी ऐसे फंक्शन में जाते थे तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे और उससे 10 कदम दूर खड़े रहते थे। इस बार भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर चल रहा था आदमी आदमी लोगों का, बड़ी औरतें लोग कोई नहीं थी इस पार्टी में, बैचलर्स पार्टी थी ना, आदमी आदमी लोगों का चल रहा है ये तो नहीं, ये बैठ के इनको मस्त मतलब अपने जो स्नैक्स वगैरह हैं, जो सिंपल खाना है वो इंजॉय कर रहे हैं। किसी ने इनको एक शरबत ला कर दिया। बोले कौन सा शरबत है? बोले खस का शरबत है। तो खस के शरबत का टेस्ट बड़ा अलग सा लग रहा था। इन्होंने पिए तो थे खस का शरबत, लेकिन अपने बचपन में, आज जब पी रहे थे तो ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। काफ़ी सालों बाद भी पिए थे, लेकिन ठीक है पी लिए, अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। ऐसे करते करते ये 2-3-4 गिलास पी लिए मज़े में। अब क्या हुआ, खाना वाना हुआ, बाहर बिजली कड़की है और ज़ोरों की बारिश पड़ने लगी। ये बोले अरे बाप रे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, आसपास के जितने लोग हैं वो तो सब निकलते जा रहे हैं, मेरा गाँव दूर है, मैं कैसा करूँगा, कैसे घर जाऊँगा। जहाँ पर ये थे वहाँ से इनके घर की दूरी लगभग लगभग 10 किलोमीटर की थी, और ना ही साइकिल, ना ही बैलगाड़ी और ना ही किसी भी प्रकार का साधन अभी इनके पास था। ये पैदल ही आए थे, लेकिन मौसम नॉर्मल था, बारिश का मौसम कैसा होता है, जब बारिश नहीं गिर रही होती है हल्का ठंडक भरा ही रहता है, मौसम में थोड़ी नमी होती है और बहुत सुहाना सुहाना सा लगता है। ये ऐसे मज़ा लेते हुए 10 किलोमीटर चल के अपने दोस्त के घर पहुँच तो गए थे, लेकिन अब जब लौटने की बारी आई तो जोरों की बारिश होने लगी थी। अच्छे खासे बादल पूरी तरीके से काले हो गए थे, इतने काले कि ऐसा लग रहा था कि अरे शाम ढल गई है पूरी, ऐसा लग रहा था कि 6:30 बज गए हैं, लेकिन नहीं,
अभी तो लगभग दोपहर के 3:30 ही बज रहे थे। खैर इन्होंने सोचा और इंतज़ार करता हूँ लेकिन बारिश अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही है और बादल और ख़तरनाक तरीके से छा गए। शाम के 5 बजे के आसपास इन्होंने डिसाइड किया, अपने दोस्तों से बोल गए कि यार अब मुझे निकलना चाहिए, बारिश भले ही थोड़ी बहुत है, भीगते भागते बचते बुचाते घर पहुँच जाऊँगा। एक बार घर पहुँच गया तो पत्नी बच्ची माँ को भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि किसी को भी टेंशन हो जाती है यार इतनी बारिश में मैं कहाँ फंस गया, किसी को भी अपने परिवार वाले की टेंशन हो जाएगी। खैर ये अपने दोस्तों को अलविदा कह के वहाँ से निकल गए। थोड़ी आगे जाने के बाद ये इस गांव से पूरी तरीके से बाहर आ गए और जंगल वाले रास्ते में एंटर कर गए। पहले के ज़माने में आज के ज़माने जैसे ऐसे सीमेंटेड रोड या ऐसे प्रॉपर रोड नहीं बने रहते थे, कच्ची सड़क ही रहती थी, पगडंडी वाले रास्ते रहते थे। उससे ये जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर लोग कचरा डंप करते थे। ऐसा नहीं कि आज के ही टाइम पे लोग कचरा फेंकते, कचरा डंप तो पहले से ही होते आ रहे हैं, ना जाने कब से आदि मानवों के टाइम से होता आ रहा होगा। तो ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर ढेर सारा कचरा डंप रहता है। उसी डंपिंग जोन के पास में इन्हें एक बकरी के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बड़ा तकलीफ में रो रहा है। आसपास झाड़ पेड़ पौधे भी कम है, ये खुला टाइप का इलाका है क्योंकि डंपिंग जोन है तो खुले इलाके में ज़्यादा होता है। तो इन्होंने सोचा रे ये बकरी कहाँ रो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश में वो पक्का भीग रही होगी। इधर उधर नज़र दौड़ाए तो क्या पाए कि वही कचरे के बीच में इतना छोटा सा बच्चा रो रहा है बकरी का। बोले अरे 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 ये तो मर जाएगा ऐसे में, मेरे पास तो कुछ खाने वाने का भी नहीं है, एक काम करता हूँ इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ और बढ़िया इसको अपने गांव लेकर जाता हूँ, वहाँ पर पोछ पाछ के थोड़ा खाना वाना खिला दूंगा और अपने गांव में ही ऐसा रोड में छोड़ दूंगा, घूमते फिरते रहेगा, खाते पीते रहेगा, इसको कैद नहीं करूँगा। ऐसा बोल के इन्होंने उसको उठाए हैं और अपने कंधे में लटका दिए। अब ऐसा नहीं था कि ये पूरी तरीके से भीग रहे थे, पहले के ज़माने के लोग जिनके पास छाता नहीं होता था तो वो लोग टेम्प्ररी जुगाड़ रखते थे, जैसे आज के टाइम पे रेनकोट होता है ना, वैसे वो लोग ना एक रेनकोट जैसे ही बना हुआ पॉलीथीन वाला जो लंबा सा होता था वो पहनते थे, ऐसे इसमें ऐसा सिर में बना हुआ है और नीचे पूरा फूल है, पॉलीथीन का तो नहीं होता था वो, किसी चीज़, हाँ वो किसी और चीज़ का होता था, प्लास्टिक टाइप का होता था। तो वो उन्होंने ये थोड़ा ओढ़े हुए थे तो बकरी के बच्चे को भी कंधे में लटका लिए, उसके ऊपर से वापस से ओढ़ लिए। ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं भीग रहे थे, भीग तो रहे थे लेकिन हाँ काफ़ी सेफ थे और इन्होंने उस बकरी के बच्चे को भी सेफ करने की पूरी कोशिश की। बढ़ने लगे, नीचे कीचड़ है, ख़राब रास्ता है, चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा भी तेज़ चलेंगे तो फिसल के गिरने का डर है। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्होंने क्या नोटिस किए हैं कि अरे ये बकरी का बच्चा अचानक से रोना बंद कर दिया है और इसके जो पैर हैं वो मुझे पीठ की तरफ चुभ रहे हैं। ये ऐसा कंधे में लटका के रखे हैं, इधर पे ऐसा लटका हुआ, आप इमेजिन करते जाओ, और यहाँ पे उन्होंने ओढ़े हुए और चल रहे हैं और अब ऐसा महसूस हुआ कि अरे मुझे चुभ रहा है क्या। वो थोड़ा रुके और उसको ऐसा देखने की कोशिश की उसके हाथ को, तो क्या पाए हैं, बकरी के बच्चे के हाथ में तो दिख रहे हैं नाखून। इनका दिमाग ख़राब हो गया कि ऐसे कैसे बकरी के बच्चे के पैर हो गए यार, जब ढंग से देखने की कोशिश की हाथ लगा के प्रॉपर देखे उसको थोड़ा सामने आके तो क्या पाए हैं, ये बकरी नहीं बल्कि एक बिल्ला है। घबरा गए, ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसको बकरी का बच्चा समझ के उठाकर लेकर आया था, ये बिल्ला कैसे बन गया रास्ते में, और एक मैच्योर्ड बिल्ला, मोटा ताज़ा हेल्दी बिल्ला, कलर बकरी के बच्चे का काला ही था तो ये बिल्ला भी काला ही था। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है यार, बोले छोड़ो हो सकता है मेरा वहम होगा, बारिश बहुत ज़्यादा थी और जल्दी जल्दी में मैं समझ नहीं पाया होगा, वो बिल्ला ही रहा होगा, मैं उसको समझ लिया बकरी का बच्चा, चलो कोई बात नहीं बिल्ला है तो बिल्ला ही सही, इसको भी लेके जाऊंगा, ये तो और आराम से बिना डरे घर पर बैठ के खा लेगा, फिर खा लेगा तो देख लूँगा घर पे रख लूँगा, बाहर छोड़ दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, गाँव के लोग तो वैसे भी खिलाते पिलाते रहते हैं ऐसे जानवरों को और मैं तो हूँ ही फिर ध्यान रखने के लिए। अब वो बिल्ला ही समझ के लटका के चले जा रहे। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें अब कुछ घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। अभी भी बारिश अच्छी खासी हो रही है, बिजली कड़क रही है, बारिश की आवाज़, बिजली की आवाज़ और ये इनके चलने की आवाज़ भी, मतलब सब सारी चीज़ें मैच हो गई। कैसे चल रही, कीचड़ में चल रहे हैं तो खचर 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 ऐसे चलने की आवाज़ नहीं आती क्या, वैसी वाली ये चल रहे हैं। अब इन्हें घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, अरे सारा घुर्रा कौन है, कहाँ से घुर्रा रहे हैं ये, चलते चलते रुक गए क्योंकि भाई पहले एक ज़माने में शेर चीता का भी थोड़ा सा रहता था, भेड़िया और क्या क्या होते हैं,
ये लकड़बग्घा ये सब होते हैं भैया डर लग, वो भी कुत्तों जैसे घुर्राते हैं। तो थोड़ा सा डर लग गया इनको कि आसपास है तो नहीं, रुक गए। लेकिन ये घुर्राने की आवाज इन्होंने तुरंत रुकते से ही नोटिस किया कि बहुत दूर से नहीं बल्कि बहुत नजदीक से आ रही है, इनफैक्ट इनके पास से ही आ रही है। ये रुक के अब थोड़ा रियलाइज किए हैं ऊपर हाथ डाल के, ये बिल्ला नहीं है। घबरा कर उसको उतारे और नीचे रख दिए। देखे कि अरे ये तो कुत्ता है, एक छोटी हाइट का, इतनी बड़ी हाइट का कुत्ता, इंडियन कुत्ता, सिंपल वाला अपना देसी कुत्ता। बोले ये कैसे हो सकता है, बड़ा मासूम दिख रहा है, इनको देख के पूछ हिला रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है यार, अरे जब मैं उठाया था तो ये बकरा था, कंधे में टांगा तो ये बिल्ला था, अभी कंधे से निकाला हूं तो कुत्ता कैसे दिख रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया। बोले पक्का जो खस का शरबत दिए हुए थे मेरे दोस्तों ने वहां पर, वो खस का तो नहीं था, उसमें कुछ तो मिला हुआ था, असली चीज उसमें कुछ और थी और शरबत तो नाम मात्र का था कलर देने के लिए थोड़ा सा। इनका दिमाग खराब हो गया, ये अपने दोस्तों से बहुत हर्ट हुए। लेकिन बोले कि ठीक है यार, अभी कितना हर्ट होगा इतनी बारिश में, बेचारा छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भीग रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, कितना मासूम लग रहा है, अब इसको तो मैं ही पालूंगा। उसके चेहरे को देखकर पिघल गए, बोले अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको पालूंगा। चलो अच्छा है, बहुत समय से मेरे को कुत्ता चाहिए भी था। उसको फिर उठाए, फिर कंधे में लटका लिए, फिर एक गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। रेडियो में सुनते थे गाना, गाना वाना सुनने का शौक था इनको। थोड़ी आगे जाने के बाद उनकी नजर पड़ती है गांव की तरफ से आने वाले एक व्यक्ति के ऊपर, जो इनको दूर से ही बड़ा घूर घूर कर देख रहा था। ये शायद उसको जानते थे, बारिश ज्यादा थी ना, ज्यादा बारिश में विजन थोड़ा सा डाउन रहता है, उतना क्लियर तो दिखता नहीं है। तो उसको देखते हुए जा रहे, कौन है यार मुझे ऐसा, कौन घूरते हुए आ रहा है। जब थोड़ी नजदीक तक पहुंच गए, बहुत नजदीक नहीं लेकिन थोड़ी सी नजदीक तक पहुंच गए, तो ये पहचाना, अच्छा अच्छा ये वो है, थोड़ा दूर के रिश्तेदार वाला है, थोड़ी आगे रहता है हमारे गांव के आगे, यहाँ वो ही है। तो वो इनको अभी भी बड़ी हैरानी से देख रहा है, इन्होंने देख के स्माइल भी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि साले स्माइल क्यों नहीं कर रहे, स्माइल पास क्यों नहीं कर रहे, मुझे देख के पहचाना नहीं है क्या, इसके बाबूजी वगैरह का तो घर पे आना था हमारे। ऐसा इनके मन में आया ही है कि वो दूर से आवाज लगाता है, अरे भाई राम प्यारे तुम ये कंधे में, वो खुशी से थोड़े और आगे बढ़े, हाँ हाँ कंधे में देखो कितना सुंदर कुत्ते का बच्चा है ना, इसको मैं वो कचरे से उठाकर लेकर आया हूँ, इतने प्यार से मुझे देख रहा था, मैं इसको पालने वाला हूँ। ये बोलते भाई कैसी बात कर रहे हो, दिमाग सही जगह पे है कि नहीं, कंधे में तो तुम्हारी एक लाश लटकी हुई है। ये वहीं पर हक्के बक्के हो गए, जैसे उसने ये बोला उसकी इस बोल के साथ गड़गड़ा के बिजली कड़की। ये डर गए और जो रेनकोट जैसा ऊपर ओढ़े हुए थे उसको उठार के फेंके और हिम्मत से ऐसे हाथ लगाकर देखे तो क्या पाए कि एक लड़की का शरीर है। तुरंत उसका पैर पकड़ के नीचे फेंके हैं और घबरा गए। ये तकरीबन 16-17 साल की लड़की थी। बोले नहीं नहीं ये लड़की को मैं लेके नहीं आया हूं, मैं तो कुत्ते का बच्चा उठाया हुआ था। दो कदम पीछे हट गया, इनके चेहरे को देखकर थोड़ा सा और घबरा गया, बोला ये कुछ करके तो नहीं आ रहा है, अब मैंने देख लिया हूं तो राम प्यारे मेरे ही ऊपर तो हमला नहीं कर देगा। बोलता नहीं नहीं राम प्यारे अब मैंने कुछ नहीं देखा, कैसी बात कर रहे हो, तुम तो खाली हाथ आ रहे थे ना, ये लड़की पता नहीं कैसी पड़ी हुई यहाँ पे, हाँ तुम तो खाली हाथ आए हो, ठीक है मैं चलता हूँ, हाँ हम लोग मिलेंगे गाँव में मिलते। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी जल्दी अपना उस तरफ भाग गया, जिस तरफ आ रहा था उसके अपोजिट जिस तरफ जा रहा था, मतलब उस तरफ ही भाग गया वो। अब ये देख के पूरे सुनसान कि ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। अचानक से एक जोर की बिजली कड़की और ये रियलाइज किया कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, भागो यहां से बहुत तेजी से। ये तेज दौड़ना शुरू किए, लिटरली इनका दौड़ना 10 मीटर नहीं हुआ होगा, इनको पीछे से आभास हुआ कि वही लड़की इनके पीछे दौड़ना शुरू करी है। अब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कीचड़ है, पगडंडी वाला रास्ता, पूरे कपड़े भीग गए, पूरे कपड़े कीचड़ में भर गए। वो लड़की इनको पूरा पकड़, कई बार तो पकड़ भी ली, कई बार इनका पैजामा पकड़ ले रही है, पकड़ के खींच दे रही है, तो कई बार इनके बाल पकड़ के ऐसा पलटा दे रही है। वो लड़की लिटरली इनके ऊपर हमला करने जैसी हो गई, लेकिन ये जैसे तैसे करके भाग के अपनी गांव की सीमा के अंदर जैसी पहुंचे, क्या पाए मेरे पीछे कोई नहीं है। लिटरली ये जंगल से लेकर अभी तक उस लड़की से फाइट करते करते पहुंचे थे, लेकिन जैसे ये गांव की सीमा के अंदर प्रवेश किए, कौन, कोई नहीं। अरे कैसे कोई नहीं यार, इतनी चोट लग गई, इतना गिरा, उसने उठा उठा के पटकी है मुझे,
इनफैक्ट पीठ में उसके 2-4 नाखून भी लगे हुए हैं। घर पहुंचे, घर पे इनकी माँ ने और इनकी पत्नी ने इनका जो हालत देखी, देखकर बहुत घबरा गई। लड़की तो थोड़ी छोटी थी, बोली क्या हो गया? उन्होंने पूरी बात बताया। माँ ने बोली, पहले तो ये बता तू कौन से वाले रास्ते से आया है। ये बताते बताया ना वो कचरा जहाँ फेंकते हैं वो जंगल वाला रास्ता। माँ ने बोली, तेरा दिमाग जगह पे है कि नहीं? मैंने कितनी बार बोली हूँ, जहाँ पर कचरा फेंकते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कांड हुए, इस वजह से वो जगह भूतिया बन गई है। गांव के बड़े बड़े लोग वहां से जाने से घबराते हैं, कतराते हैं। तू कौन होता है? परिवार वाला अपने परिवार की तो सोच जरा सा, अपना नहीं सोचता है तो? वहां पे ढेर सारे भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैल छलावाएं घूमते हैं और तू उसी रास्ते से आना जाना करता है, तेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है तुझे? बस फिर क्या था? इन्होंने बोले कि माँ इतना मत सुनाओ, पहले भी सुना हुआ हूँ, बहुत डरा हूँ, मेरे पीठ में देखो वाला नाखून के निशाने क्या? माँ ने बोली है। बस डर ऐसा बैठ गया मन में कि क्या बताएं। इन्होंने नहाए धोए हैं और फिर भगवान का पाठ करने बैठ गए सीधे कि वो डर खत्म हो, कुछ निगेटिविटी लगी हो तो खत्म हो। किस्मत की बात थी कुछ निगेटिविटी नहीं लगी और इनके आने वाले दिन पूरी तरीके से नॉर्मल रहे। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी इनकी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो इनकी पत्नी ने अपनी बेटी को दी और फिर बेटी जब और बड़ी हो गई उनका बेटा हो गया। उन्होंने ये कहानी अपने बेटे को बताई और बेटे ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा क्यों ना आपको सुनाए, जिससे आप लोग बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन और डिफरेंट सी जानकारी मिले। ये किस प्रकार का भूत रहा होगा? इतनी सारी कहानियाँ आपने हमसे सुने हैं, सुन के समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में इस प्रकार के भूत का नाम ज़रूर बताइए। अब तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।